A very good morning to all of you. Today I am going to discuss one of the important topic of your cell topic that comes under your current electricity. The topic is you need to find the net EMF and internal resistance. You need to find net EMF and your net internal resistance when two cells are connected in parallel. जब दो सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो नेट ईएमएफ क्या होगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक डेरिवेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी, तो लेट्स टेक टू सेल एंड कनेक्ट देम इन पैरेलल। दिस इज माय फर्स्ट सेल Here, I have connected it in parallel with the other cell. पहले सेल का EMF आपका E1 है, सेकेंड सेल का आपका EMF E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस यू कैन शो ओवर हियर। R1 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। And R2 is the internal resistance of second cell. These two cells are connected in parallel. Now, from first cell, current will flow. Now, I am considering that current I1 will flow from the first cell. पहले सेल से करंट I1 निकलेगा। And current I2 will flow from the second cell. Now these two current will combine with each other and we will get a total current I. Now this I current will move in the whole circuit which will be below it, and after that it will come back. तो सेल से जितना करंट आपका जाएगा वापस उतना ही करंट आएगा। तो मैंने क्या किया अभी तक, दो सेल्स लिए हैं, ईएमएफ E1 एंड E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। पहले सेल से करंट निकला I1, दूसरे से करंट निकला I2, दोनों कंबाइन हुए टोटल करंट मिला I। अब ये I करंट पूरे सर्किट में मूव करेगा, जो सर्किट आपका मैंने शो नहीं किया, इसमें जरूरत नहीं है, बट नीचे आपका सर्किट होता है उसमें मूव करेगा, और उसके बाद ये करंट वापस घूम फिर कर वापस आएगा और सेल्स में वापस स्प्लिट हो जाएगा I1 एंड I2। ठीक है, तो जितना करंट सेल से चला उतना ही करंट वापस आ गया। तो ये दो सेल्स का मुझे नेट ईएमएफ निकालना है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, जैसे रेजिस्टेंस में होता था ना आपका, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनको कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है, ऐसे सेल को कंबाइन करके भी इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा। तो इन दो सेल को कंबाइन करके मेरा एक सेल बन जाएगा, इक्विवेलेंट सेल। तो वो फिगर में मैं आपके साथ साथ ही बना रहा हूं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ये सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी कुछ ऐसी फिगर बनेगी। अच्छा एक काम मैं कर रहा हूं, यहां पे इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, ताकि हम बता पाए कि ए बी के बीच में ही इन सेल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज टू सेल्स वी विल गेट अ सिंगल सेल हुज ईएमएफ इज ई इक्विवेलेंट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी आर इक्विवेलेंट। करंट आई ही फ्लो करेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा आपका, क्योंकि इन दो सेल्स को कंबाइन करके तो हम कर रहे हैं। तो पहले करंट आई था सर्किट में, तो करंट तो सर्किट में आई ही रहेगा।
ठीक है। तो दो सेल्स को मैंने सॉल्व किया और मेरा इक्विवेलेंट एक सेल मैंने बना लिया जिसका ईएमएफ है इक्विवेलेंट, जिसका रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। ये ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है करने का। देखो कैसे करेंगे, सेल्स की यहाँ पर डिस्चार्जिंग हो रही है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आई एम गोइंग टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग टू बोथ द सेल्स, दोनों सेल्स पे डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगाऊंगा और हमारा टारगेट होगा करंट कैलकुलेट करना I1 एंड I2। क्यों कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है ये कंबाइन होके एक सिंगल करंट बन रहा है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे है। तो I1 हमें दिख रहा है कि I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल। योर I इज इक्वल टू I1 एंड I2, द सम ऑफ I1 एंड I2। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब दोनों सेल्स के लिए सेपरेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेल इक्वेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। हियर डिस्चार्जिंग इज टेकिंग प्लेस। सो फॉर सेल वन आई एम गोइंग टू अप्लाई द डिस्चार्जिंग इक्वेशन। यू नो द डिस्चार्जिंग इक्वेशन वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर बोथ द सेल्स। ओके, नाउ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन बोथ द सेल्स एज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। ईएमएफ विल बी डिफरेंट फॉर देम, करंट विल बी डिफरेंट फॉर देम, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट फॉर देम, बट दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम फॉर देम एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इच अदर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, so I am applying the V equal to E minus IR equation for first cell. Now V I am taking as it is because both are equal. Now in place of EMF E I am going to take E1 minus I1 Now you have to solve this. You will shuffle the things and you will get the value of I1 E1 minus V अपॉन में R1, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी I1 की। तो दिस आई एम टेकिंग एज इक्वेशन नंबर टू। नाउ इन द सेम वे आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेल इक्वेशन फॉर सेकंड सेल। सेल टू के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा, बोथ आर इन पैरेलल। EMF अलग होगा तो E2 माइनस I2 R2। नाउ यू विल सफल द थिंग्स एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट I2 इन द सेम वे E2 माइनस V अपॉन में R2। तो दिस आई एम गोइंग टू टेक एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ लुक, आवर करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। We know I1 I have calculated, I2 I have calculated, applying the cell equation, the discharging equation for the cell, for the first and second cell. हमें मिल गया I1 and I2. Now we are going to put it in equation number 1. Equation 1 में इसको put कर देंगे. So put second and third in first. इन फर्स्ट पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा आई विल बी इक्वल टू योर E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन में R2। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, दिस R1 यू कैन टेक, यू कैन सॉल्व इट, इट इज इन द न्यूमरेटर, इट इज इन द डिनोमिनेटर। So you can separate it with the numerator. Like this you can write. Now here E2 upon me R2 minus V upon me R2. Now what next you have to do? इसके बाद आप क्या करेंगे? आप जो E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 है, यू कैन टेक देम ऑल टूगेदर
एंड दीज टू यू कैन टेक टूगेदर। ओके नाउ हियर यू विल गेट दिस वी आई एम टेकिंग एज कॉमन ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया एंड ये दोनों थे इसमें से मैंने v कॉमन ले लिया माइनस v कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 ठीक है ये बच गया। अब इसके आगे क्या करें व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू। अब लुक हमें क्या करना है हमें किसी भी तरह से दोबारा से सेल इक्वेशन को रिक्रिएट करना है किसके लिए इसके लिए ये जो अभी मैं काम कर रहा हूं ये सब इसके लिए हो रहा है। तो किसी भी तरह से मुझे दोबारा से v इक्वल टू e माइनस आई आर बनाने की ट्राई करनी है एंड फॉर दैट दिस v शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओके एंड शुड बी अलोन। तो हमें इसको अलोन करना है सेपरेट करना है तो क्या करेंगे वी आर गोइंग टू शफल द थिंग्स इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रहूंगा दिस आई एम गोइंग टू टेक टू द राइट हैंड साइड माइनस आई ये माइनस कर दिया मैंने करंट इसमें से ठीक है। तो अभी तक क्या किया हमने दो सेल्स को लिया है पैरेलल में और उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो भी बनेगा रेजिस्टेंस बनेगा एक इक्विवेलेंट सेल मैंने यहां फिगर बना दिए। उसके बाद मुझे दिख रहा है दैट करंट I1 एंड I2 दे आर कंबाइनिंग एंड बिकमिंग करंट I तो मैंने इक्वेशन लिख दी। फिर फर्स्ट सेल के लिए सेल इक्वेशन लगाई अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम रखना है दोनों के लिए तो मैंने सेम रखा और सेल इक्वेशन लगा के I1 निकाल लिया। ऐसे ही फॉर द सेकेंड सेल यू विल अप्लाई V इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। नाउ यू विल अप्लाई द सेल इक्वेशन यू विल फाइंड आउट I2। नाउ पुट द I2 एंड I1 बोथ इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1 दिस यू विल गेट। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट द डिनोमिनेटर विल गो बोथ टू द न्यूमरेटर। Now E1 R1, E2 R2, you are going to take in a single bracket, and this V you are going to take common, and 1 upon R1 plus 1 upon R2 you are going to get in a bracket. Now you have to recreate the equation of V equal to E minus IR again for this cell. We are doing the same. हम वही काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो V है, V should be on the left hand side and should be alone. तो उसके लिए सबसे पहले हमें V को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग द करंट टू द राइट हैंड साइड। ओके यू कैन सी इन योर सेल इक्वेशन V इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो वी वॉन्ट V ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो वी आर गोइंग टू डू दैट। अब इसके बाद क्या करना है वी वॉन्ट इट टू बी अलोन तो इसको हम यहां पर पहुंचा देंगे। ओके वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट ओवर हियर तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा? I2 डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/i2 माइनस I डिवीजन में आपका आएगा 1/r1 प्लस 1/i2। अब हमें ध्यान रखना है हमारा देखो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है बस इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा सिंप्लीफाई करने वाला हूं। रिजल्ट आ चुका है ये जो है ना आपका ये इक्विवेलेंट आपका निकल चुका है ये निकल चुका है ठीक है। तो इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करूंगा मैं ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो है ना ये रेजिस्टेंस इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा सा लिख रहा हूं सिंप्लीफाई करके तो आपका रिजल्ट बन जाएगा V इक्वल्स टू I2
और यहां पर बन जाएगा I. When you are going to solve it, you will get R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. ओके, यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. हे डाउनवर्ड ऑल्सो यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम. नीचे भी एलसीएम लोगे तो उसके बाद चीजें आपकी कट डाउन होगी. देखिए कैसे होता है एलसीएम, मैं बता देता हूँ. R1 R2, फर्स्ट आई एम सॉल्विंग द न्यूमरेटर, और यहां ऊपर बन जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1, एंड डिविजन में यू आर गोइंग टू गेट R2 प्लस R1 अपॉन में R1, एंड द रेस्ट थिंग विल बी एज इट इज. नाउ दिस R1 R2 विल कैंसिल आउट, एंड फाइनली यू विल गेट अ रिजल्ट V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2. यू कैन राइट इट इज इन एडिशन, एंड इन माइनस माइनस यू आर गोइंग टू गेट I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. सो वी हैव गॉट अ इक्वेशन. दिस इक्वेशन ये हमें मिल चुकी है. अब इस सेल के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है. इस सेल के लिए भी ऐसे ही इक्वेशन अप्लाई एक बार करके देखते हैं, सेल इक्वेशन. फिर दोनों को कंपैरिजन कर देंगे आपस में. ये जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया ना, इसको वी आर गोइंग टू कंपेयर इट. तो यहां से मैं एक बार रब कर रहा हूं जल्दी सी. फॉर इक्विवेलेंट सेल मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, V पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5. सो कंपेयर द फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन. व्हेन यू विल कंपेयर तो E इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2. दिस इज द इक्विवेलेंट EMF फॉर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड योर R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है. तो E इक्विवेलेंट आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2. R इक्विवेलेंट आता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2. ये तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे जनरली आप सॉल्व करते हो ना रेजिस्टेंस का, वैसे ही निकल जाएगा रेजिस्टेंस. तो बस EMF का आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला. ये दो सेल्स के लिए है, N सेल्स के लिए मैं आपका फॉर्मूला बनाऊंगा और आपको ये वाला फॉर्मूला ट्राई करूंगा याद करवाने की. ये वाला ज्यादा सिंपल रहता है, N सेल्स के लिए आप इजीली कर सकते हो. ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने दो सेल्स के लिए लिखा है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में दो सेल्स के लिए ही पूछा जाता है जो डेरिवेशन आपकी, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाता है इस तरह से. बट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इसको थोड़े से अलग तरीके से इस फॉर्मूले को याद कराऊंगा, ठीक है. तो आप उससे भी जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उससे आप ये फॉर्मूला अपने आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें आपके साथ, ठीक है. बट एग्जाम में जब आप रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो आपको यहां तक फाइंड आउट करके आना पड़ेगा, ठीक है. एन सेल्स के लिए अभी मैं लिख दूंगा, तब तक के लिए आपको दिमाग में रखना है जब भी दो सेल्स आपसे पूछे तो आप फिगर बनाओगे, ऐसे दो सेल्स दिखाओगे, EMF दिखा दिए, एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट I1 I2 निकल रहा है और यहाँ पे कंबाइन होके I बन रहा है. अब ये जब पूरा सेल, ये दोनों सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होगा तो वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगल सेल जिसका EMF होगा इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, करंट तो सेम आई फ्लो करेगा क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन को ही सॉल्व किया हमने, ठीक है. तो दोनों सेल्स के लिए आप सेल इक्वेशन लगाओगे और सेल इक्वेशन लगा के I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप इक्वेशन में पुट कर दोगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 में. आफ्टर दैट हेयर यू विल रीच, इसके बाद आप सेपरेट कर लोगे E1 R1 और E2 R2 को एक ब्रैकेट में और बाकी को अलग से रख लोगे. फिर उसके बाद आपको V को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना और अलोन करना है, बिकॉज V इक्वल टू E माइनस आई आर इक्वेशन मुझे रिक्रिएट करनी है इस सेल के लिए. तो उसके लिए इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे
और ये जो भी है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद आपको जस्ट इसको सॉल्व करना, बेसिक मैथमेटिक्स इट इज। ठीक, सॉल्व करने के बाद आपका अपने आप ये बन जाएगी इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन को कंपेयर करना आपको इक्विवेलेंट सेल की इक्वेशन के साथ, वो आप अप्लाई करोगे, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर ई बनेगी, बस वहां पे इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आपको लिखना है। करंट आई रहेगा क्योंकि पूरे सर्किट में करंट आई था, एंड आपका पोटेंशियल वी रहेगा। ठीक है, इसके बाद इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आप कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब मैं आपके लिए एक एन सेल्स के लिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आपके 2 से ज्यादा सेल आते हैं और आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, एन सेल्स के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिख के दिखा रहा हूं, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू इन केस ऑफ योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ओके, फॉर एन सेल्स n सेल्स के लिए e इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका बनेगा, बहुत सिंपल होता है याद करना। द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, यू आर गोइंग टू ऐड v2 r2 प्लस e3 अपॉन में r3 अप टू सो ऑन फॉर n सेल्स, en डिवाइडेड बाय rn, एंड जो डिवीजन होती है डिवीजन में आपका होता है 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2 प्लस 1 अपॉन में R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन में R है। ठीक है, बहुत इजी होता है याद करना। E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3, E3 अपॉन में R3 एंड अप टू EN अपॉन में RN। अगर आप 2 सेल्स लेते हो तो सिर्फ 2 ले लेना है, यहां से करके दिखा देता हूं। अगर इसको 2 सेल्स के लिए आप बनाओगे तो, अगर इसको 2 सेल्स के लिए आप बनाते हो तो कैसे बन जाएगा? तो देखो, 2 सेल्स के लिए सिर्फ आपको 2 लेने हैं यहां से, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको सेम रिजल्ट बनेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट बन जाएगा। तो एन सेल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला, मैं तो कहता हूं हमेशा यही फॉर्मूला दिमाग में रखो फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला दिमाग में जो रखना है। बाकी 2 सेल्स के लिए आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। डेरिवेशन में आपका ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, एक स्टेप में बन रहा था, फिर मैंने उसको सॉल्व किया था क्योंकि एग्जाम में आपको ये रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे एन सेल्स के लिए? तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आप नॉर्मल पैरेलली करते हो सॉल्व वैसे करना है। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 R3 अप टू 1 अपॉन RN, इस तरह से आप निकाल लोगे। तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला ये बनता है, आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला ये बनता है। अब एग्जाम में एक बार, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी टाइम में क्वेश्चन पूछते हैं रेशियो ऑफ ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट की रेशियो क्या बनेगी। तो अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हो, ठीक है, इन दोनों की आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो आप रेशियो जब निकालोगे तो आपका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? तो देखो क्या बनेगा आपका, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, सिर्फ ये बच जाती है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बनेगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 E3 अपॉन में R3 अप टू EN अपॉन में RN। ठीक है, काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट की रेशियो निकालो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके वो आंसर निकाल सकते हो। तो ये है आपका इक्विवेलेंट का एन सेल्स के लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऊपर रेशियो होती है E1 अपॉन R1 की एडिशन में, और नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये देखो 1 अपॉन R1 है तो यहां पे भी 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 है वहां पे भी 1 अपॉन R2। बहुत इजी होगा इसको याद करना। एंड आर इक्विवेलेंट मैंने बताया है, जैसे द वे यू ऐड द रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसे ही ऐड करना होता है। ठीक है, एंड जब आप इन दोनों को, इनकी रेशियो आपको निकालनी हो, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, तो आपकी ये वाली टर्म हो जाती है कैंसिल एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस न्यूमरेटर, ये आपको मिल जाता है।
तो बड़ा सिंपल होता है सेल से ऐसे डील करना। तो आई होप यू गॉट द डेरिवेशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।